क्रिसमस का दिन। आज हम देखेंगे कि हमारे लिए इस आखिरी क्रिसमस के बड़े दिन के महीने में हमारे लिए क्या तोहफा रखा हुआ है। क्या हमारे लिए कोई तोहफा है परमेश्वर के पास, या परमेश्वर के लिए कोई तोहफा है हमारे पास। इस महीने में आप देखेंगे कि आप पूरे महीने फेसबुक में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, और आप जहाँ भी परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, आप बड़े दिन से रिलेटेड, क्रिसमस से रिलेटेड आप कहानियाँ सुनेंगे, वचन को सुनेंगे, प्रचार सुनेंगे और गीतों को सुनेंगे। हर तरह से आप किस किस चीज़ के गीतों को सुनेंगे, बड़े दिन के गीतों को। कौन से गीतों को? और प्रचार भी हम बड़े दिन से रिलेटेड ही सुनेंगे। तो आज का जो वचन होगा वो भी बड़े दिन से रिलेटेड होगा, कि क्रिसमस के रिलेटेड। ये क्रिसमस मेरे लिए और आपके लिए क्या लेकर आया, और इसी से मिलता जुलता मैंने आज के अपने प्रचार को शीर्षक दिया है, क्रिसमस का गिफ्ट, बड़े दिन का तोहफा। आइए हम आगे बढ़ने से पहले हम चलेंगे वचन की ओर। हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय वचन 1 से 12। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय वचन 1 से 12। कोई भी जन इस वचन को आवाज उठाकर हमारे लिए पढ़ दे। आपको समझ आया? समझ आया। हम सभी ने इस कहानी को बहुत अच्छी रीति से सुना, और इस कहानी को लिखने वाला मत्ती रचित सुसमाचार में जब हम देखते हैं तो इस कहानी को लिखने वाला कौन है? इस कहानी को लिखने वाला मत्ती आप है। मत्ती अपने आप इस कहानी को लिख रहा है। और मत्ती कौन था? जब हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ सुनते हैं, तो सबसे पहले हमें ये श्योरिटी होनी चाहिए, हमें ये निश्चितता होनी चाहिए कि ये जो कहानी को लिख रहा है ये एक वैलिड पर्सन है, ये एक ऐसा पर्सन है जो सही है, या कोई भी इधर की बात सुन के उधर कह रहा है। इसीलिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मत्ती जो ये पर यीशु मसीह की कहानी को लिख रहा है, ये एक चुंगी लेने वाला बहुत ऊंचे डेजिग्नेशन का एक इंसान था। छोटे मोटा काम करने वाला कोई इंसान नहीं था, या छोटा मोटा कोई ऑफिसर नहीं था, एक बहुत हाई पोजीशन का गवर्नमेंट ऑफिसर था मत्ती, जिसको टैक्स कलेक्टर, चुंगी लेने वाला कहा गया था। और दूसरी बात, इसको इसके बारे में अगर आप जानना चाहते तो आप मत्ती 5:26-28 में आप देख सकते हैं कि ये मत्ती कौन था, वहां पर उसके विषय में कहा गया। और यही मत्ती 12 चेलों में से एक चेला भी था, जिसको यीशु मसीह ने जब कहा कि मेरे पीछे हो ले, और उसने अपना काम, अपना सब कुछ छोड़कर वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। मत्ती एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुलाया तो वो 12 चेलों में से एक हो गया और अपना सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। अब आपको पता चल गया कि मत्ती कौन था जिसने इस कहानी को लिखा। मत्ती का मतलब क्या है? मत्ती का मतलब, मैथ्यू का मतलब है गिफ्ट ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का तोहफा। उसके नाम का मतलब ये था कि परमेश्वर का तोहफा, लेकिन उसके काम क्या थे? टैक्स इकट्ठा करने वाला, चुंगी लेने वाला, लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से, दोनों, गैर कानूनी और कानूनी तरीके से। लेकिन जब उसको प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, उसने सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के पीछे हो लिया। अब दूसरी बात, हम देखते हैं कि मत्ती जब यहाँ पे इस कहानी को लिख रहा है, तो ये कहानी ना आपको लूका की इंजील, ना आपको यहूना की इंजील, और ना आपको मरकुस की इंजील में मिलेगी। ये सिर्फ आपको मत्ती रचित सुसमाचार में ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो एक आम व्यक्ति नहीं, वो बहुत सी छानबीन करके, बहुत से उस जगह पर जाके खोज करके, बातों को सब इकट्ठा करके, उसने इस कहानी को, परमेश्वर की जन्म की बात को, उसने पवित्र आत्मा की सहायता से यहाँ पर लिखा। अब दूसरी बात, हम यहाँ देखते हैं कि वचन में क्या लिखा,
हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ। कौन से राजा के दिनों में? कौन से राजा के दिनों में? हेरोदेस। अब जैसे कि हम इस समय में यहाँ पर है, हमें पता है हम किस सरकार के अंडर है, हम किस गवर्नमेंट के अंडर है। अब यीशु मसीह का जन्म हुआ कौन से राजा के अंडर में? अब हेरोदेस राजा बहुत बड़ी रोमी सरकार ने, इज़राइल की बहुत बड़ी रोमी सरकार ने हेरोदेस को नियुक्त किया पूरे इज़राइल यहूदिया पर राज्य करने के लिए, राजा बनने के लिए। अब वो राजा अच्छा भी बहुत था, लेकिन अच्छे से ज्यादा वो बुरा बहुत था। वो इतना बुरा राजा था कि सबसे पहले तो महान बहुत था, कोई छोटा मोटा राजा नहीं था, बहुत महान राजा था। क्योंकि बाइबल में जिन राजाओं के नाम हैं वो छोटे मोटे राजा नहीं हैं। हम अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं, इन राजाओं के नाम इतिहास की पुस्तकों में लिखे हुए हैं, हिस्ट्री में लिखे हुए हैं, और बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये एक महान राजा था। दूसरा, वो इतना क्रूर राजा था कि उसको पता था कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी मौत पर कोई रोएगा नहीं, मेरी मौत पर कोई रोएगा नहीं। तो ताकि लोग उसकी मौत पर रोए, उसने क्या किया हुआ था? बहुत सारे लोगों को बंदी बनाकर जेल में रखा हुआ था, और उसने कहा था कि जिस दिन मैं मर जाऊंगा उस दिन इन सारे बंदियों को मार देना, ताकि इनके बहाने लोग मेरी मौत पर रोए। इतना क्रूर राजा था। इतने क्रूर राजा के दिनों में यीशु मसीह का जन्म हुआ। अब ये एक राजा है, और राजा के समय में एक और राजा का जन्म हो गया। ये इतना क्रूर राजा था कि जब इसको पता चला कि मेरे आगे लड़के पैदा हो गए हैं, वो मेरी राजगद्दी को हड़पने के लिए अब आगे बढ़ जाएंगे, उसने अपने 3 बेटों और अपनी पत्नी तक को मरवा दिया था। इतना क्रूर राजा। इस क्रूर राजा के दिनों में यीशु मसीह का जन्म हुआ, और उस राजा को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने अच्छे लगते थे। जैसे कि जो 70वीं शताब्दी में यरूशलेम का मंदिर ढा दिया गया था, उसको इसने फिर से बनाने की शुरुआत की। अब दूसरी बात, अब हेरोदेस राजा के दिनों में यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ। कहां पे जन्म हुआ? मेरी कलीसिया को पता होना चाहिए कि यीशु मसीह कैसे पैदा हुआ। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि हाँ वो क्रिसमस के दिन पैदा हो गया, लेकिन उस समय में क्या माहौल था पता होना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि यीशु मसीह ने जो अपनी जान दी है वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, कहाँ जन्म हुआ? बैतलहम का मतलब क्या है? बैतलहम का मतलब है हाउस ऑफ ब्रेड, रोटी का घर। क्या है बैतलहम का मतलब? क्या है? बोर तो नहीं हो रहे? तो बैतलहम का मतलब क्या है? रोटी का घर। और बैतलहम कोई बहुत बड़ा कोई जगह सिटी नहीं थी, छोटी सी जगह थी, एक छोटा सा गांव था, कोई बहुत बड़ी अच्छी सी आलीशान बिल्डिंग वाली जगह नहीं थी, छोटा सा गांव था जहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया। अब हम आगे देखेंगे इस पूरे मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय में टोटल 12 आयतें हैं, 12 वर्सेस है। इन 12 वर्सेस को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला भाग 1 से 2, दूसरा भाग 3 से 8, और तीसरा भाग 9 से 12। अब पहला भाग हम देखते हैं वचन 1 से 2। अब इसको ध्यान से सुनिएगा। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। कहां से आए? कहां से आए? सभी को मेरी आवाज समझ आ रही? मैं कैसे बोल रही हूं? पूर्व से कई ज्योतिषी आए। अब
बाइबल में ज्योतिषी लिखा गया, लेकिन जब हम इसको डीप और पढ़ते हैं, इसको समझते हैं आगे पीछे करके, तो ये ज्योतिषी आम ज्योतिषी नहीं थे जो हाथ पकड़ के देखते थे कि आपका भविष्य बता दे। ये बहुत ही बड़े जो तारों की स्टडी करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, बहुत ही नामी थे और इनको राजा कहा जाता था कि ये बड़े बड़े राजा है, कोई आम ज्योतिषी नहीं थे। और ये कहां से आए? पूरब से आए, पश्चिम की ओर। कहां से आए? पूरब से आए। अब पूरब से एक दिशा से दूसरी दिशा में आने पर कितना समय लगेगा? बहुत समय लगेगा। हम यहां से चंडीगढ़ जाते तो 6 घंटे लग जाते हैं आराम से, यहां से बठिंडा जाते तो 2 घंटे लग जाते हैं, यहां से सिरसा जाते तो 1 घंटा लगता है। और हम तो गाड़ियों में होते हैं या बाइक पे होते हैं या बस में होते हैं, उस समय में वो भी अपने रथों पर सवार होकर आए होंगे, तो उनको 6 महीने या साल या 1.5 साल या 2 साल लगे यीशु मसीह की खोज करने में। अब वो पूरब से आए जो यरूशलेम में आकर पूछने लगे। अब यरूशलेम कहां था? यरूशलेम इज़राइल में यहूदिया के वहां पर था, मतलब पूरब से पश्चिम की ओर वो आए हैं और आकर वो यीशु मसीह की खोज कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? यहूदिया का राजा जिसका जन्म हुआ वो कहां है? यहूदिया का राजा, क्या हम किसी की खोज में इतनी दूर जाएंगे? आगे लिखा, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने आए हैं। क्या करने आए हैं? हम लोगों को तो चर्च में टाइम से आने पर नहीं बनता। वो इतनी दूर से 1.5-2 साल का सफर तय कर आए। क्या करने आए? प्रणाम करने। किसको प्रणाम करने? यीशु मसीह को। उन्होंने कहा, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है? अब वो प्रणाम करने आए। अब वो प्रणाम क्यों, कैसे करने आए हैं? वो प्रणाम सबसे पहले अपनी संस्कृति को भूलकर, अपने कल्चर को भूलकर, अपनी सारी गुड़ी हुई बातें, सीखी हुई बातों को भूलकर, अपने नाम को जो उनको इतनी बड़ी यहाँ पे डेजिग्नेशन मिली है ज्योतिषी, अपने उस नाम को, अपने ओहदे को भूल कर मेरे प्रभु यीशु मसीह को जो इस दुनिया में आया है प्रणाम करने आए हैं। हालेलुया। हमें तो अगर कोई किसी के पैरों में हाथ लगाने के लिए बोल दे तो हम तो ये हो जाएंगे, क्यों ऐसे कैसे, मैं क्यों पैरों में हाथ लगाऊं? या किसी के आगे झुकने को बोल दें, क्यों? लेकिन यहां इतने बड़े ज्योतिषी अपनी सारी सीखी हुई बातों को भूलकर क्या करने आए? मैं तो उनको नहीं भूल सकता जिन्होंने मुझे अब तक संभाला है, मैं तो उन पूर्वजों को नहीं भूल सकता जिन्होंने मुझे अब तक संभाला है, मैं उन आकृतियों को नहीं भूल सकता जिनकी सेवा या जिनकी पूजा मेरे बाप दादे करते आए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम क्या है? मिट्टी है, और हम मिट्टी की बनाई हुई के आगे झुकना पसंद करेंगे? यहां पर लिखा, वो पूर्व से ज्योतिषी, इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर आए, और जब उन्होंने, और वो ऐसे ही नहीं उठ के आ गए इतनी बड़ी लंबी यात्रा करके, उनके साथ पता नहीं उनके कितने लोग होंगे, उनके कितने सेवक होंगे, कितने गधे, कितने घोड़े होंगे, कितने रथ होंगे, जो वो यीशु मसीह को सिर्फ उन सबको लेकर इतनी लंबी यात्रा करके क्या करने आए? प्रणाम करने के लिए, मत्था टेकने के लिए आए। राइट वर्ड। आज वो तो समय पर पहुंच गए, पर क्या आज हम अपने आप को सही समय पर यीशु मसीह के कदमों में रखते हैं, यीशु मसीह के सामने रखते हैं? क्या हमारा जीवन है अपने आप को सही समय पर यीशु मसीह के सामने आकर प्रणाम करने का?
या हम घर के कामों में इतने उलझ गए हैं कि हम समय पर कलीसिया ही आना भूल जाते हैं। 10:30 का समय है और हम 11 बजे पहुंच रहे हैं। मेरे प्रियो, जो समय पर आएगा, जो प्रभु यीशु मसीह की समय पर प्रार्थना की, वचन की कदर करेगा, समय पर परमेश्वर उनकी कदर करेगा। हालेलुया। अब यहां पर उन ज्योतिषियों के बारे में जिक्र हुआ है, क्या हमने अपने आप को इतना परमेश्वर के सामने रखा हुआ है कि परमेश्वर अपने मुख से हमारा जिक्र करे, या हम इतनी दुनियावी बातों में उलझ गए हैं? आगे देखते हैं, आगे दूसरा भाग कहता है, ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। दूसरा भाग वचन 3-18, इसको मैंने शीर्षक दिया है कि जब हम परमेश्वर की आराधना करते तो शैतान घबरा जाता है। हालेलुया। अब जब उसने सुना, यह सुनकर कि इतने बड़े ज्योतिषी पूर्व देश से आए हैं यीशु मसीह को प्रणाम करने के लिए, और एक देश से दूसरे देश में आकर अपने कल्चर, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने परिवार सबको छोड़कर हमारे देश यरूशलेम में आकर पूछ रहे हैं कि वो जो यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ वो कहाँ है, ये सुनकर हेरोदेस घबरा गया। जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, अपने मन को, अपनी सारी बातों को, अपने सारे पापों को सब कुछ भूल कर हम परमेश्वर को प्रणाम करते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो शैतान घबरा जाता है। हालेलुया। अब वो यरूशलेम में ही क्यों ढूंढने आए? क्योंकि यरूशलेम एक पवित्र नगरी कहलाई जाती थी। यरूशलेम क्या कहलाई जाती थी? पवित्र नगरी, खुदा का घर कहलाया जाता था। इसीलिए वो यरूशलेम में ढूंढने आए, क्योंकि पुराने नियम में यीशु मसीह का जिक्र किया गया था, भविष्यवाणियां हुई थी कि एक राजा उत्पन्न होगा जिसका बैतलहम में जन्म होगा। अब हम आगे देखते कि हेरोदेस राजा, और पहले तो सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। सारा यरूशलेम, अब यरूशलेम में दो गुट थे, एक गुट था जो राजा के साथ था, जो राजा की आराधना करता था, और दूसरा जो यीशु मसीह के जन्म होने का इंतजार कर रहे थे कि वो कब आएगा और इस क्रूर राजा से हमें छुटकारा देगा। तो हम देखते, आगे लिखा है, तब उसने लोगों के सब प्रधानों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? क्या किया उसने? सबसे पहले उसने सब प्रधान याजकों को, प्रधान याजकों मतलब वहां के गवर्नर होंगे, वहां के प्रेसिडेंट होंगे, वहां के मिनिस्टर्स होंगे, सबको, और उसके बाद शास्त्रियों को, शास्त्री जो वहां के थे, जो वहां के बड़े बड़े स्क्राइब्स थे, उन सबको इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ हुआ। अब ये ज्योतिषी डायरेक्ट राजा के पास नहीं आ गए, उन्होंने तो वहां के लोगों से पूछना शुरू किया। लोगों ने जाकर कानाफूसी कर दी राजा को कि तू तो यहाँ का राजा है, ऑलरेडी ये दूसरे राजा के बारे में पूछ रहे हैं। राजा तो सुन के ही, ये तो घबरा गया, सारा यरूशलेम घबरा गया। बड़े बड़े लोगों को उसने अपने महल में इकट्ठा किया और पूछा, इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। अब जब उसने पूछा कि यीशु मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए, तो वो अपनी किताबें, पुस्तकें सब कुछ खोलकर बैठ गए, और बैठकर उन्होंने कहा, उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा गया, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। अब यहां देखो, सीखने वाली इतनी बड़ी बात क्या है कि सबसे बड़े प्रधान याजकों को भी पता
कि मसीह का जन्म, मसीह आने वाला है और मसीह का जन्म कहाँ होगा। शास्त्रियों को भी पता मसीह आने वाला, मसीह का जन्म कहाँ होगा। वहां के बड़े बड़े ज्योतिषियों को भी पता मसीह का जन्म होने वाला, मसीह आने वाला है कि कहाँ होगा। सबको पता है लेकिन विश्वास कोई नहीं करता। पता सबको है, विश्वास चुप क्यों है? विश्वास यीशु मसीह को जानते तो हम सभी हैं जितने यहां बैठे हैं, पर पहचानते कितने हैं? हालेलुया। अब हमने सिर्फ यीशु मसीह को जानने वाला नहीं बनना, इन प्रधान याजकों की तरह। ये जो प्रधान याजक थे ये छोटे मोटे नहीं थे, बहुत बड़े बड़े डेजिग्नेशन के बड़े बड़े लोग थे, धर्म विज्ञान के लोग थे, जो जानते सब कुछ थे। उन्होंने पुराना नियम पूरा रटा हुआ था, उन्हें पता था कि मसीह आएगा लेकिन पहचानते नहीं थे। आज मैं और आप क्या है? क्या हम इस कानून की बातों को, क्या हम इस वचन की बातों को सिर्फ जानने वाले हैं या पहचानने वाले हैं? मेरे प्रियो, अगर आप जानने वाले हैं तो आप उन ग्रुप में से हैं जो सुन के घबरा जाएंगे कि यीशु मसीह आने वाला है न्याय करने को, पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं मैं कहां जाऊंगा, पता नहीं वो मुझे अपने साथ लेकर भी जाएगा या नहीं। क्या हम उस ग्रुप में से हैं जिनको ये डर है कि अगर आज मैं मर गया तो मेरा क्या होगा, या हम उसमें से हैं जो ये सुनकर खुशी मना रहे हैं कि यीशु मसीह आने वाला है और मैं उसको झुक कर प्रणाम करूंगा और मैं ये सुनूंगा कि शाबाश मेरे बेटे, शाबाश मेरी बेटी, तूने अपनी दौड़ दौड़ ली, तूने सब कुछ पा लिया, ये विजय का मुकुट तेरा है। हालेलुया। इस क्रिसमस, इस बड़े दिन में हमने अपने आप को जांचना है कि हम कहां पर है। हम उन ज्योतिषियों की और की तरह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर इतनी दूर से अपने सारी जब बातों को भूल कर यीशु मसीह के पीछे चल लिए, तारे के पीछे चल लिए, या हम उन लोगों में से हैं जिनको सब कुछ इस समय में दिया गया है लेकिन हमें वो चीजों को फिर भी एक्सेप्ट करना नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि हमें बनी बनाई रोटी मिली हुई है परंतु हमें खानी नहीं आ रही है। हालेलुया। बुरा लगा तो अच्छी बात है, तभी दिल बदलेगा, बुरा नहीं लगा तो हालेलुया। आगे वचन कहता है 7वीं आयत में, तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि था तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। अब यहां पर देखना कि वो ज्योतिष, ये राजा कितना क्रूर था, और उसने ये कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी जाकर उसको प्रणाम करूं। क्या करूं? मैं भी जाकर उसको। यहाँ पे हम देखते हैं कि उस राजा ने ज्योतिषियों को, अब जब उसको सुनने में खबर मिल गई, अब उसने इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर्स को अपने घर में बुलाया, अब जब अपने महल में बुलाया होगा, पहले उनकी सेवा पानी की है, उनको अच्छा खाने पीने को दिया, उनको अच्छे तोहफे दिए होंगे, पूरा लालच दे दिया उनको, अब उनसे पूछताछ कर रहा कि तुमने किस समय पे वो तारा देखा था, कहाँ देखा था। अब जब वो पूछताछ कर रहा, वो पूछताछ इसलिए कर रहा कि ताकि वो टाइम काउंट करे, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे, आगे जब हम इसकी 13वीं आयत से आगे पढ़ते हैं, तो जब उसने तारा, तारे के बारे में काउंट किया तो उसको लगा कि 1.5-2 साल का होगा इस समय में यीशु मसीह, तो उसने जन्म से लेकर के उस समय में जो जन्म से 2 साल तक के सारे बच्चों को मरवा दिया था। क्या कर दिया था? मरवा दिया था। अब वो इतना चलाक, पहले उसने लालच दिया और उसके बाद उनसे सब बातें उगलवा ली। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो शैतान आपको हर तरह का लालच देता है, हर तरह का लालच देता है। सबसे बड़ा लालच देता है नींद का, आलस का, चोरी का, झूठ बोलने का और अलग अलग सी बातों का।
लालच देता है कि आप यीशु मसीह के पीछे चलना छोड़ दे और शैतान के चंगुल में फंस जाए। लेकिन मेरे प्रियो, आज इस क्रिसमस के महीने में जब हम आने वाले दिनों में बड़े दिन को मनाने जा रहे हैं, हमने अपने आप को बदलना है और परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लेना है, ताकि अगर हमारी जिंदगी में कोई लालच आए, कोई गलत बात आए, हम उसको दूर करने वाले हो जाए। क्योंकि जैसे पौलुस कहता है कि जब मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम आई, कोई मुसीबत आई, तो उसने क्या किया, उसको रिसिस्ट किया। उसने कहा रिसिस्ट द डेविल एंड इट विल फ्ली फ्रॉम यू। शैतान को दूर भगाओ, अपने से परे करो और वो तुमसे दूर भाग जाएगा। लेकिन कब? जब हम उसको हटाएंगे। अब आगे हम देखते हैं वचन 9-12, तीसरा भाग। तीसरे भाग को मैंने लिखा है, जब आप परमेश्वर के लिए आगे आएंगे, परमेश्वर आपके लिए आगे आएगा। हालेलुया। अब यहां लिखा, वे राजा की बात सुनकर चले गए। अब उन्होंने सुन ली राजा की बात और वह चले गए, और जो उन्होंने पूर्व में तारा देखा था वे उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। हालेलुया। अब वो पूर्व से निकले हैं, कितनी परेशानियां प्रॉब्लम्स आई होंगी, अब वो तारे को देखकर आगे चल रहे हैं। अब वो तारे को जब उन्होंने देखना बंद कर दिया तो वो रास्ता भटक गए। अब जब वो भटक गए तो यरूशलेम में आकर पूछ रहे हैं कि मसीह का जन्म कहाँ हुआ है, हमें बताओ कि हम उसके साथ चले। लेकिन जब उन्होंने उनको आंसर मिल गया तो उनको फिर से वो तारा दिखाई दिया और वो फिर से तारे के पीछे चलना शुरू हो गए। हम जब तक हम इस वचन के अनुसार इसको लेकर इसके पीछे चलते रहते हैं, परमेश्वर का आत्मा दिन में बादल का छाया बनके, रात में अग्नि का खंभा बनके, जैसे उसने इजराइलियों की अगुवाई की, हमारी भी अगुवाई करता है। परंतु जब हम कलीसिया में आना बंद कर देते हैं, जब हम वचन को पढ़ना बंद कर देते हैं, जब हम प्रार्थना करनी बंद कर देते हैं, हम भी भटक जाते हैं। और जब हम भटक जाते हैं तो हमारी जिंदगियों में भी परेशानियां आनी शुरू हो जाती है, और जब परेशानियां आती हैं तो हम फिर पास्टर जी को फोन लगाते हैं, पास्टर जी दुआ करो, ऐसा ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम तो भटक गए, कलीसिया में हमने आना नहीं, प्रार्थना हमने करनी नहीं, वचन हमने पढ़ना नहीं, फिर हम क्वेश्चन करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हालेलुया। आज हमने ये निर्णय लेना है कि हमने परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से चलना है या फिर अपनी मर्जी से। आगे वचन कहता है, उस तारे को देखकर वे आनंदित हुए। क्या हुए? आनंदित हुए। और उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। अब जब वो पहुंच के देखा तो यीशु मसीह वहां चरणी में अब नहीं था, वो बड़ा हो गया था, तकरीबन वो 1.5-2 साल का होगा। अब उसने उसको यीशु मसीह को अपनी माता के साथ देखा, और सबसे पहले मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। क्या किया? क्या किया? क्या किया? प्रणाम किया। अब यहाँ पे जो मतलब प्रणाम शब्द है, ये इसका इंग्लिश में वर्शिप कहा जाता है, और इसको ग्रीक शब्द प्रोस्कूनियो से लिया गया है, जिसका मतलब है लेट कर आराधना करना, झुक कर लेट कर आराधना करना, प्रणाम करना। क्या करना? प्रणाम करना। अब सबसे पहले उन्होंने वो आनंदित हुए। क्या हुए? अब मुझे लगता है जब वो आनंदित हुए होंगे तो सबसे पहले उन्होंने गीतों को गाया होगा। क्या किया होगा? आराधना की होगी कि हालेलुया, हमें पापों से छुटकारा देने वाला मसीहा आ गया, हालेलुया। सबसे पहले वो आनंदित हुए, आनंदित होकर उन्होंने पूरे जोरों शोरों से आराधना की होगी। उसके बाद उन्होंने क्या किया? झुककर प्रणाम किया। हालेलुया। झुककर प्रणाम किया। या जगसीर भैया बोल दे कि खड़े होकर डांस करके गीत गाओ, आराधना करो, तो हम आराम से खड़े होकर ऐसे ऐसे कर रहे हैं।
हमसे नाचा भी नहीं जाता। संडे में एक दिन आना है, दुनिया के लिए नहीं नाच रहे, यीशु मसीह के लिए नाच रहे हैं। क्या आज हमारी जिंदगी वैसी है? वो इतनी दूर से आए, इतने थके आ रहे होंगे, पता नहीं कैसा कैसा उन्होंने रस्ते में खाना खाया होगा, और अब वो आए हैं तो वो सबसे पहले आनंदित हो रहे हैं, उसके बाद उन्होंने झुककर प्रणाम किया। अब प्रणाम करने के बाद तीसरी बात उन्होंने क्या की, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। हालेलुया। सबसे पहले क्या दिया? सोना दिया। सोना क्या दर्शाता है? यीशु मसीह को जब उन्होंने उस समय में सोना दिया तो ये दर्शाता था कि यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, और वही सारी पृथ्वी पर अधिकार करने वाला एकलौता परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह राजा है। उसके अलावा और कोई राजा नहीं है। यहाँ पर सोना ये दर्शाता है। अब वो बैतलहम एक गांव में सबसे पहले यीशु मसीह को उन्होंने निकाल कर क्या दिया? सोना दिया। दूसरा उन्होंने क्या दिया? लोबान दिया। लोबान क्या दर्शाता है? लोबान दर्शाता है, लोबान उस समय में जब मंदिर में वो चढ़ाया जाता था, बलि चढ़ाई जाती थी, तो उस बलि को लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ताकि जब वो बलि जलाई जाए तो उसमें से खुशबू निकले, बदबू ना निकले, इसलिए लोबान यूज किया जाता था। और तीसरी बात, गंधरस। गंधरस होता था जो मंदिर में धूप जलाई जाती थी, उस गंधरस में तेल डाला जाता था, ऑलिव ऑयल जिसका बाइबल में हम जिक्र देखते हैं, वो डाला जाता था, और उसको डालकर उसकी धूप जलाई जाती थी ताकि पूरे भवन में खुशबू उड़ती रहे, इसीलिए। और यहाँ पर सबसे पहले लोबान क्या दर्शाता है? अब आप किसी के जन्म पर अगर ऐसी वस्तु लेकर जाएंगे जो उसके मरने के लिए काम आने वाली है, तो वो इंसान देखकर खुश होगा? नहीं, वो बोलेगा अभी अभी मेरे घर में खुशियां आई और ये क्या ले आए। लेकिन यहाँ पर ये दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह का मरना मेरे और आपके पापों के लिए पहले से ही तय था कि वो हमारे पापों के लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठेगा। उस बात को पूरा करने के लिए, उसकी माँ को ये चिताने के लिए कि तेरा बेटा जो इमैनुएल यीशु मसीह है, वो बहुत जल्द हम सब के पापों को क्रूस पर लेकर चढ़ने वाला है, तू तैयार रहे कि अपने आप को कैसे संभालना है, इसीलिए वो वहां पर लोबान लेकर आए। तीसरी बात, गंधरस। गंधरस ये दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह की धूप, की जिंदगी की धूप से सारी दुनिया बदल जाए। हालेलुया। हम रूम में सेंट छिड़काते हैं तो क्या होता है? खुशबू आती है। उसी तरह से कि प्रभु यीशु मसीह की धूप से यहाँ पे दर्शाया गया है कि दुनिया बदल जाएगी, वो यहाँ पर ये भेंट लेकर आए। इससे हमें क्या? हम हर संडे आराधना करने आते हैं, हालेलुया, आराधना करते हैं। क्या हम अपने आप को जीवित और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाते हैं? रोमियो 12 का एक में क्या लिखा है? रोमियो 12 का एक में लिखा है, अपने शरीरों को जीवित और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। कहाँ चढ़ाओ? परमेश्वर के आगे, यीशु मसीह के आगे, उसके भवन में। क्या मेरे शरीर में झूठ ही लिखा हुआ है? मैं हर दिन सुबह शाम दिन रात छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातों को लेकर झूठ बोलती हूँ या बोलता हूँ? अपना अच्छा सोचने के लिए, अपने घर का अच्छा सोचने के लिए मैं किसी को भी कुछ भी झूठ बोल देता हूँ? झूठ चाहे अच्छा बोला, किसी के लिए भले के लिए बोला जाए या बुरे के लिए, झूठ झूठ है। मैं अपनी जिंदगी में क्या गलत कामों में अभी भी बैठा हुआ हूं, बैठी हुई हूं? गलत काम कैसे? नशे में। गलत काम कैसे? गलत बातों में, गलत वस्तुओं के पीछे, गलत चीजों के पीछे, चोरियों में,
क्या आज भी मेरी जिंदगी वैसी है? वचन कहता है कि उन्होंने सबसे पहले आनंदित हुए, खुश हुए, फिर उन्होंने झुक के प्रणाम किया। अब झुक के प्रणाम तभी कर सकता है एक इंसान। पहले के समय में क्या होता था कि कोई मसीह के मंदिर में भी परमेश्वर के यहोवा के आके प्रणाम नहीं कर सकता था। अगर उनमें इतनी भी अपवित्रताएं मिलती थी तो वो उसी समय भस्म हो जाते थे। लेकिन आज हमारी जिंदगियां कैसी है? क्या हमारी जिंदगियां सही चल रही है? हालेलुया, सो तो नहीं गए? अब हम वचन कहता अपने शरीरों को जीवित और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। उसके बाद आनंदित हो गए, आराधना कर ली, झुक के प्रणाम कर लिया, अपने आप को हमने परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, अपने बोझ को सौंप दिया, अपने परेशानियों को सौंप दिया, अपनी जरूरतों को सौंप दिया, अपनी दिक्कतों को सौंप दिया, सब कुछ कर दिया। अब आई भेंट देने की बारी। जब भेंट देने की बारी आई तो पिछले कुछ समय पहले मुझे कहा गया कि दान पात्र में से दान निकाल कर काउंट कर लो। जब मैं काउंट करने लगी तो मैंने उसके अंदर ऐसे नोट देखे जो कोई सब्जी वाला, कोई मार्केट वाला, कोई नहीं लेगा। मतलब जो कहीं नहीं चलेगा कलीसिया में लाके डाल दो। जिन्होंने डाले उन्हें पता है। क्या ये सही है? कैन और हाबिल, हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में दोनों भाई अपने अपनी भेंटों को आगे लेकर आए हैं। किसकी भेंट स्वीकार हुई? हाबिल की। क्यों? क्योंकि वो बेस्ट थी, उसने बेस्ट दी थी, उसने अपने खेत खलियान का सबसे अच्छा अनाज, सबसे अच्छा अन्न उसने परमेश्वर के सामने आकर सौंपा। हाबिल की भेंट और कैन की भेंट स्वीकार नहीं हुई। एक नोट देखा मैंने जिसके अंदर इतना बड़ा छेद था, मतलब फटा हुआ। Come on, क्या वो फटा हुआ नोट मार्केट में चल सकता है? औरतें मार्केट में सामान खरीदते, आदमी मार्केट में सामान खरीदते हैं, हमारे बच्चे मार्केट में सामान लेने जाते, तो अगर हमें दुकानदार फटा हुआ नोट देता तो हम खुद उसको वापस कर सकते कि भाई ये नहीं चलेगा, चलो कोई नहीं कलीसिया में चला लेंगे, कलीसिया में डाल देंगे। उन्हें क्या पता चल रहा मैंने डाला है? परमेश्वर को पता चल रहा है। पास्टर को पता नहीं चल रहा किसने डाला, परमेश्वर को पता चल रहा। जैसी आपकी भेंट वैसी आपकी आशीष। बात यहां पर ये नहीं है कि आपने थोड़ी डाली या ज्यादा डाली। वचन कहता है परमेश्वर आनंद से, खुशी से दान देने वालों को हिला हिलाकर, दबा दबाकर उभरते हुए गोदी में वापिस देता है। इसका मतलब क्या है? हमारी बहनों को पता है जब आटा डालते हैं ड्रमी में या किसी चीज में तो पहले उसको हिलाती है, दबाती है, ताकि उसमें काफी सारा आटा आ जाए, वो अच्छे से भर जाए। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? उसी तरह परमेश्वर हमें हिला हिलाकर, दबा दबाकर उभरते हुए गोदी में वापिस देता है। फटे हुए नोट डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जिसकी हम आराधना करते हैं। हालेलुया, उसके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। वही हमें देने वाला है, उसी को हम ऐसा करेंगे, उसके साथ हम ऐसा व्यवहार करेंगे। तो आजकल के समय में शादियों का समय है, फंक्शंस का समय है, और हम सबसे अच्छे कपड़े पहनकर जाना चाहते हैं। हम चाहते कि हम सबसे सुंदर दिखें, और हम शगन देते हैं उनको लिफाफों में डालकर, क्योंकि ये समय है। लेकिन जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, अपने सबसे पहले अपने आप को उसको जीवित और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। और दूसरी बात, जैसा आपका दान होगा वैसी आपकी। हालेलुया, हालेलुया।
अपने आप को, अपने शरीरों को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। जब जिस तरह ये ज्योतिषी आए उस तारे के पीछे पीछे चले, उन्होंने जब वो मिल गया उनको प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने उसकी झुक के आराधना की, आनंदित हुए, फिर उन्होंने अपने थैले में से उपहार निकाल कर दिए। उसके बाद क्या हुआ मेरे प्रियो, तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से देश को चले गए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के पीछे चलने लगते हैं, हमारी अवस्था, हमारी व्यवस्था, हमारी जिंदगी, हमारा परिवार, सब कुछ बदल जाता है। अब हम पहले जैसे नहीं रहे, क्यों? क्योंकि हमारा उद्धार हो गया है। जब हमारा उद्धार हो गया है तो हमने अब वापिस उन्हीं रास्तों पर नहीं चलना है। हालेलुया। यहाँ पर क्या हुआ, वो वचन कहता कि वो ज्योतिषी जिस रास्ते से आए वो वापिस उस रास्ते से क्यों? क्योंकि जब पहले वो ढूंढ रहे थे यीशु मसीह को, जब वो ढूंढते ढूंढते उनको मिल गया, अब जब उनको मिल गया, उनकी जिंदगी में यीशु मसीह आ गया, तो उनकी जिंदगियां बदल गई, उनकी जिंदगियों का उद्धार हो गया, उनके पापों का उद्धार हो गया, उनकी जिंदगी बदल गई। अब जब उनकी जिंदगी बदल गई तो वो पहले जैसे नहीं रहे, अब वो नए हो गए हैं। जैसा कि दूसरा कुरंतियों 5:17 में लिखा है कि वे नए हर दिन, जैसे तुम्हारा हर दिन नए बदलते जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चले जाना चाहिए। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, सब कुछ नया हो गया। क्यों नया हो गया? क्योंकि मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में यीशु मसीह आ गया है। हालेलुया। अब जब हमारी जिंदगी में यीशु मसीह आ गया है तो हमारी जिंदगियों में हमें अपने उस पाप में अवस्था में वापस नहीं जाना है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि क्रिसमस का तोहफा प्रभु यीशु मसीह मेरी और आपकी जिंदगी में आ गया है। हालेलुया। उसने तो अपने आप को हमारे लिए देकर, बलिदान करके हमारे, हमें अनंत काल की जिंदगी का तोहफा दे दिया। क्योंकि यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्या लिखा है, उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। क्या आज आपको और मेरा अनंत जीवन पाने जैसा व्यवहार है? क्या हमारी अवस्था वैसी है? क्या हमारी जिंदगी वैसी है? हमने अपने आप को जांचना और परखना है। हमें हमारा क्रिसमस का तोहफा मिल चुका, प्रभु यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आ गया है। मेरे प्रियो, अगर आज अभी तक ऐसा नहीं हुआ है तो आज ये समय है कि हम अपने आप को बदले, अपने दिलों को बदले, अपने आप को जांचे परखे कि प्रभु कहाँ कमी है मुझे बता, ताकि मैं उस कमी को पूरा करूं। और जब मैं उस कमी को पूरा करूंगा तो वो मेरा तोहफा होगा जो यीशु मसीह के लिए होगा। हालेलुया। वो तोहफा क्या होगा? कि मैं अपने शरीर को जीवित और भावता हुआ उस खुदा को बलिदान करके चढ़ाऊंगा, बलिदान करके चढ़ाऊंगी। इसी वचन से परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें।